गुरुवार की रात कलमना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धर्मनगर में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक मामूली बहस के चलते नाबालिग लड़के ने 21 वर्षीय युवक को तेज धार वाले हथियार से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम प्रेम दानिश निषाद है, जबकि आरोपी का नाम भूपेंद्र बाघमारिया बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी छोटी सी बात पर भूपेंद्र और प्रेम के बीच कहासुनी हो गई। झगड़े के दौरान भूपेंद्र ने कथित तौर पर चाकू निकाला और प्रेम पर हमला कर दिया। खून से लथपथ प्रेम को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद करमना पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को पकड़ लिया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आगे की जांच करमना पुलिस स्टेशन कर रही है। कल पुलिस को फोन द्वारा माहिती मिली थी कि धर्मनगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को मारहाण हुई है। ऐसे माहिती के आधार पर पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें पता लगा कि प्रेम निषाद नाम के व्यक्ति को तो भूपेंद्र बघमरिया नाम के आरोपी ने चाकू मारा है, जिसे उसे मेरे हॉस्पिटल लेके गया है। डॉक्टर ने वहाँ उसे तपासनी करके उसे ब्रॉड डेड घोषित किया। जांच करने पर यह पता लगा कि दिनांक 27 तारीख को दोनों के बीच में मामूली बात को लेकर वादविवाद हुआ था, गाली गलौज हुई थी। उस कारण दोनों ही पक्ष आज वहाँ पर बैठकर समझौता करने के लिए आए थे। इस बीच उनका वादविवाद बढ़ा और आरोपी ने उसके पास के चाकू निकालकर प्रेम को चाकू से पेट पर मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में गुना लोन किया गया है और आरोपी भूपेंद्र बघमरिया को अरेस्ट किया गया है। आज उसे माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोथड़े। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।